Illustration number 9. A limited company acquired the business of Rizwan Bros, whose assets and liabilities are given below. Rizwan Bros का business लिया जी A company limited है. Assets given है, हमें liabilities भी given है. ठीक है. आगे information देखिए आप. It is agreed that the company will acquire the assets and liabilities at book value and will pay the purchase consideration 30,000 in cash. ठीक है, 30,000 रुपये आपने कैश में पे किया रिजवान ब्रोस को. एंड द बैलेंस इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच पार वैल्यू. और बैलेंस आपने शेयर जो है वो इश्यू कर दिए और पार वैल्यू पे दिया आपने. 10 का शेयर है, 10 का ही दे रहे हैं आप. नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल लेते हैं, मैंने फार्मूला आपको बड़ा आसान बताया होगा. पास द रिक्वायर्ड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. आपने एंट्रीज करनी है कंपनी की बुक्स में. ठीक है, तो सबसे पहले आप एसेट्स को डेबिट करें. ठीक है, और लाइबिलिटीज को क्या करें, क्रेडिट करें. ठीक है, तो आपके पास नेट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी. देखते हैं जी, सबसे पहले लैंड कितनी है हमारे पास. लैंड है जी हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी है. उसके बाद क्या जी, बिल्स रिसीवेबल है. बिल्स रिसीवेबल को आप पता ना B/R लिख सकते हैं. ठीक है, सन्डरी टाइटल्स है. एसेट्स को डेबिट कर दूं मैं. ठीक है, फर्नीचर की तरह जी हमारे पास. उसके बाद अब हम इनकी वैल्यूज देखते हैं. लैंड कितनी है जी, 15,000. प्लांट एंड मशीनरी कितनी है जी, 69,000. 11,000 क्या जी, बिल रिसीवेबल. 19,000 क्या जी, डेटर्स. फर्नीचर कितना है जी, 24,000. क्रेडिटिस को करेंगे आप लाइबिलिटीज को. लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दीजिए आप, ताकि हम नेट वैल्यू निकाल लें. क्रेडिटर्स कितने हैं जी, सैलरी क्रेडिटर्स 10,000. बैंक लोन कितने हैं जी, 5,000. उसके बाद बिल पेबल कितने हैं जी हमारे पास, ये भी 5,000 के. उसके बाद है जी कैपिटल प्रॉफिट भी हमें गिवन है, कितने हैं जी, 4,000. कितना है जी, 4,000. वैल्यू बदल इसकी कंफर्म कर दूं, कैपिटल प्रॉफिट 4,000. उसके बाद अब हमने क्रेडिट किसको करना है जी, रिजवान ब्रोस को, सप्लायर या वेंडर जिससे हमने ये एसेट्स लिया है, जिसका बिजनेस हमने लिया एक्वायर किया. ठीक है, रिजवान ब्रोस. अब रिजवान ब्रोस को आप कितने से देखें पेबल बनाएंगे. देखिए एसेट्स का टोटल कितना है, एसेट्स का आप टोटल करें. ठीक है, और लाइबिलिटीज को माइनस करें. ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगे नेट एसेट्स. ठीक है, तो एसेट साइड का टोटल करेंगे आप, ये आप लोगों ने खुद करना कैलकुलेटर पे, और लाइबिलिटी साइड का टोटल करके माइनस करना आपने. एसेट का जो टोटल आएगा उसको आपने माइनस करना है लाइबिलिटी साइड के टोटल में से. तो आपके पास आ जाएगा रिजवान को जितना आपने पे करना, कितना पे करना आपने रिजवान को, 1,14,000. ये 1,14,000 कैसे आया मैं आपको अगेन लिख देता हूं. ठीक है, ये आया जी हमारे पास एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये आ गई आपके पास नेट एसेट्स. ठीक है, अब आप एसेट सेट का टोटल करेंगे तो लिखेंगे आप यहां पे लाइबिलिटी सेट का टोटल करेंगे, यहां लिखेंगे माइनस करें एसेट्स में, तो आपके पास आ गए नेट एसेट्स जितना आपने रिजवान को पे करना, ये आ जाएगा जी 1,14,000. ठीक है, अब आपने इसको कैश में पे किया है कितना, 30,000, और बैलेंस फुली पेड अप शेयर्स. अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स. इश्यू टू रिजवान
नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे आपको पता है जी, अमाउंट पेएबल, जितनी आपने अमाउंट पे करनी है डिवाइड किससे करना, आपने शेयर वैल्यू से, जितने का आप शेयर दे रहे हैं। अब आप पार पे दे रहे हैं, अमाउंट पे कितनी करनी है आपने, टोटल पेएबल कितना निकला था जी 1,14,000, माइनस करेंगे आप कैश में आपने कितना पे किया है 30,000, 30,000 तो आपने इसको कैश में पे कर दिया, तो वो माइनस करना है टोटल पेएबल में से, डिवाइड करेंगे शेयर वैल्यू इसको दे रहे हैं 10 का एक, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 84,000 डिवाइडेड बाय 10, 8400 शेयर्स जो है आप इसको इशू करेंगे। सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब आप जब शेयर इशू करेंगे सेकंड एंट्री में, तो रिजवान ब्रोस को आप डेबिट करेंगे कितने से, 1,14,000 से, जितने से आपने इसको पेबल बनाया, कैश कितना पे किया आपने इसको 30,000, रिमेनिंग आपने शेयर इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल आप क्रेडिट करेंगे, शेयर आपने 10 का ही लिया है, 10 उसकी पार कर गई, कितना बन गया जी ये 8400 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 का आएगा 10 का ही देगा, ठीक है, तो ये बन गया जी 84,000, इसको आप लोग नोट करें।